उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जन्म से पहले लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया। योजना का नाम है मुखबिर। इस योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वालों और गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने वालों की जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए योगी सरकार की मुखबिर योजना। लिंग जांच और गैर कानूनी गर्भपात की जानकारी देने पर 2 लाख रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश में बच्चों के जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराने और गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने वालों के खिलाफ सरकार को सूचना दीजिए और 2 लाख रुपए का इनाम पाइए। जी हां, ये है यूपी में योगी सरकार की नई योजना का ऐलान, जिसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया, जिसके तहत भ्रूण लिंग की पहचान बताने वाले नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसा जाएगा। योजना के मुताबिक जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। मुखबिरों की टीम बनाई जाएगी जो अवैध सेंटरों की जानकारी जुटाएंगे। सूचना मिलते ही लखनऊ से टीम छापा मारी। गर्भपात करने वाले लोगों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश होगी। सीएम योगी ने योजना को महिलाओं की सुरक्षा देने वाला बताया। उन भ्रांत धारणाओं को पूरी तरह निर्मूल साबित करने के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाएं, लोगों को इस बारे में अवगत कराएं कि नहीं, बालक और बालिका में दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने लिंग परीक्षण के माध्यम से भ्रूण हत्या को अपना अधिकार बना दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधान के अंतर्गत सख्त कार्रवाई प्रारंभ हो, हम लोगों को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर है लिंग अनुपात में लड़कियों की घटती संख्या ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़े ने योगी सरकार को सावधान कर दिया है। प्रदेश में अब 1000 लड़कों पर लड़कियों की तादाद 922 से घटकर 903 हो चुकी है। इस हालात में सुधार के लिए मुखबिर योजना के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों और नर्सिंग होम की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को हवालात तक पहुंचाने के लिए एनजीओ की मदद भी ली जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।